सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू इंडियाज बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर आईटी जेई केमिस्ट्री एडवांस्ड एंड हियर आई एम विद पार्ट 109 ऑफ आवर रियल जेई एडवांस्ड क्वेश्चन सीरीज। तो आज रियल जेई एडवांस्ड क्वेश्चन सीरीज में एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेकर आए। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस फ्रॉम आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज जो कि हमारे केम आईआईटी ऐप पर चल रही है। आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, इस ऐप पर सभी कोर्सेज 2024 एंड 2025 के लिए कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है और अभी उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर्स आ रहे हैं, तो उन्हीं में से एक ये अच्छा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर्स करते हैं हमारे, तो आप बहुत हद तक इम्प्रूव करेंगे अपने जेई एडवांस की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, और इस तरह के जैसे यहाँ रियल एडवांस में आपको एक क्वेश्चन पार्ट 109 आपको मिल रहा है, वहाँ पर इसी तरह के आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन पे वहाँ 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़, अगर आप ऐप पर नहीं कर रहे तो आपको रियल जेई एडवांस सीरीज तो करना ही करना है। उसके बाद कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री बेसिक से जो आइडियल गैसेस तक हमने पढ़ाया हुआ है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं राइट फ्रॉम मोल कंसेप्ट। कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी 28 लेक्चर्स अप्रॉक्सीमेटली डले हुए हैं यूट्यूब पर ही, आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद आप खुद डिसाइड करिएगा कि आपको आगे क्या करना है। ठीक है, तो चलिए लेते हैं इस क्वेश्चन को। सो ये क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन मेटालिक कॉपर, पहले आप इसको पहले खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, इज शेकन विद अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सॉल्ट, द रिएक्शन दिस द रिएक्शन प्रोसीड्स व्हेन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड एट अ गिवन टेम्परेचर दैट इज 298 केल्विन, कॉपर प्लस 2 अपॉन कॉपर प्लस, ये स्क्वायर है बेटा, कॉपर प्लस का स्क्वायर इज एक्चुअली दिस मच। If the standard potential of this half cell is given, what is the standard potential of this? देखो, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन जेई एडवांस 2022 में पूछा गया था। जेई एडवांस 2022 में इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा गया था। Although वो क्वेश्चन इसके कंपैरेटिवली काफी आसान था, उसमें भी वही कॉन्सेप्ट यूज हुआ था, डेल्टा जी एडिटिव होता है तो डेल्टा जी का यूज करके आप ई डिग्री निकालते हैं, तो देखकर थोड़ा अंदाजा लगता है कि हाँ कॉपर प्लस 2 प्लस 1 कुछ दिया हुआ है, कॉपर प्लस 1 कॉपर का पूछ रहा है, तो देखकर थोड़ा अंदाजा लगता है। ठीक है, बट सॉल्व कैसे करें, चलो। तो बेटा सबसे पहली चीज, आपको दिया हुआ है ये रिएक्शन, देखिए कॉपर प्लस क्यूप्रिक आयन, कॉपर प्लस, ये दो, और आपको एक रेशियो दी हुई है जो कि है कॉपर प्लस 2 अपॉन कॉपर प्लस 1 का स्क्वायर, कॉपर प्लस 2 अपॉन कॉपर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये रेशियो की वैल्यू है 1.667 इंटू 10 की पावर ऑफ 6 पर मोलर। क्या आपको समझ आ रहा है कि अगर मेरे को इसका के इक्विलिब्रियम निकालना है, सो के इक्विलिब्रियम इज कॉपर प्लस का स्क्वायर अपॉन कॉपर प्लस 2, ये बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ रहा है। तो ये रेशियो का रेसिप्रोकल ही इसका के इक्विलिब्रियम है। सो दिस के इक्विलिब्रियम इज एक्चुअली 1/1.667 इंटू 10 की पावर ऑफ -6, दिस द के इक्विलिब्रियम। और जब आप इस के इक्विलिब्रियम का यूज करके, क्योंकि के इक्विलिब्रियम का यूज करके आप ई डिग्री निकाल सकते हो ना रिएक्शन का, ई डिग्री निकाल सकते हो रिएक्शन का, तो इस रिएक्शन का ई डिग्री आप निकाल सकते हो, बिल्कुल क्लियर कट, स्कूल लेवल का फॉर्मूला आपको पता होगा, ई डिग्री सेल इज इक्वल्स टू -0.059 बाय एन। अब एन यहां पर क्या होगा, वन है फिलहाल, मैं समझा रहा हूं कैसे वन है, बट इधर 0.06 ले लेते हैं, इनटू लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम, एंड के इक्विलिब्रियम की ये वैल्यू है 1/1.667 इनटू 10 की पावर ऑफ -6। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको वैल्यू मिल रही है, वैल्यू इज -0.3732 वोल्ट, ये आपको वैल्यू मिल रही है।
तो बेटा ये ई डिग्री सेल है। अब सवाल आता है कि ये किस चीज़ का ई डिग्री है। बस आप अगर ये पहचान गए तो फिर क्वेश्चन आपके लिए बहुत बड़ा नहीं है, ये किस चीज़ का ई डिग्री है। तो आंसर आएगा कि हाँ सर, ये इस रिएक्शन का ई डिग्री है, ये इस रिएक्शन का ई डिग्री है। तो रिएक्शन का ई डिग्री है तो एक्चुअली में ये एक कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, कोई हाफ रिएक्शन का ई डिग्री नहीं है। ये कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है उसका ई डिग्री है। जैसे आप ये करते थे ZN से ZN2+ और क्यूप्रिक से कॉपर, इस पूरे रिएक्शन का आप ई डिग्री निकालते थे, आता था कुछ 1.10 वोल्ट, ऐसा करते थे ना। तो यहां रेडॉक्स हुआ था तो वो कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन का ई डिग्री सेल हुआ करता था। वैसे ही ये भी एक कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हाफ नहीं है सिर्फ, ये भी एक कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन है। और अगर ये कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन है तो इसका ई डिग्री ये है। अच्छा, तो कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन का ई डिग्री निकालने के लिए आप क्या किया करते थे? आप एनोड की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड की रिडक्शन पोटेंशियल दोनों को ऐड कर देते थे, यही करते थे ना। यहां भी यही करना है, ठीक है। देखो इस रिएक्शन को पहचानो, रिएक्शन कैसा हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो समझ आ रहा होगा कि एनोड मतलब ऑक्सीडेशन हाफ क्या है। तो कॉपर से क्यूप्रस जाना ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ है, और रिडक्शन हाफ दैट इज कैथोड। तो कैथोड क्या है? तो क्यूप्रिक से क्यूप्रस जाना, क्यूप्रिक से क्यूप्रस जाना ये आपका रिडक्शन हाफ है। तो आप देख सकते हैं यहां भी एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, इसीलिए मैंने यहां पर वन लिया था, इसीलिए यहां पर वन लिया था। तो एक्चुअली में ये जो वैल्यू आ रही है ये एनोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कैथोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सम है, ठीक है। तो यहां मैं लिख सकता हूं दिस इज ई डिग्री ऑफ कॉपर से कॉपर प्लस वन, दैट इज कॉपर से क्यूप्रस प्लस ई डिग्री ऑफ क्यूप्रस सॉरी क्यूप्रिक से क्यूप्रस, ई डिग्री ऑफ Cu+2 से Cu+1। तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है, ये चीज आपके पास आ गई। अब क्वेश्चन में एक चीज और गिवन है, देखिए वो गिवन है कि ई डिग्री ऑफ कॉपर प्लस टू से कॉपर, ये गिवन है, एंड दिस हैज बीन गिवन एज कॉपर प्लस टू से कॉपर प्लस पॉइंट थ्री थ्री सेवन सिक्स। अब आपको यूज करना है बेटा डेल्टा जी वाला कॉन्सेप्ट। क्या? देखिए जैसे कॉपर से कॉपर प्लस वन इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से कॉपर प्लस वन से कॉपर प्लस टू प्लस वन इलेक्ट्रॉन, इनकी ई डिग्री वैल्यू है। दिस इज सपोज ई डिग्री ऑफ कॉपर से कॉपर प्लस, दिस इज सपोज ई डिग्री ऑफ कॉपर प्लस से कॉपर टू प्लस। सिंपली कॉपर से कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन, ये हो गई ई डिग्री ऑफ कॉपर से कॉपर प्लस टू। क्लियर है ये बात? ये बात क्लियर है। और इसकी डेल्टा जीवन डिग्री कुछ होगी, डेल्टा जीवन डिग्री ये होगा मान लो इसका डेल्टा G2 डिग्री, और ये होगा डेल्टा G3 डिग्री। और डेल्टा जी डिग्री का फॉर्मूला आपको पता है, सभी के लिए अप्लाई होता है, -NFE डिग्री सेल। तो डेल्टा जी डिग्री के लिए -NFE डिग्री सेल ये अप्लाई होता है। तो क्या आपको ये दिख रहा है कि इसका और इसका अगर मैं सम करता हूं तो ये मेरे को तीसरा इक्वेशन मिलता है, क्लियर कट दिख रहा है। तो इसी से मैं बोल सकता हूं डेल्टा जी थ्री डिग्री इज एक्चुअली डेल्टा जी वन डिग्री प्लस डेल्टा जी टू डिग्री। और अब यहां पर वैल्यू डालिए, देखो ये कॉन्सेप्ट यूज किया था जेई एडवांस 2022 में, जो एक क्वेश्चन आया था शायद पहले पेपर का ही था, उन्होंने इतना सा कॉन्सेप्ट यूज किया था। बस अभी हमारे पास पहले पीछे एक कॉन्सेप्ट ये यूज हुआ है, और उसके बाद ये एक कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, उसके बाद हम पहुंचेंगे आंसर पे, ठीक है। सो दिस इज अ बेटर क्वेश्चन। सो डेल्टा जी थ्री डिग्री, अब बेटा लिखने वाली बात है तो लिख सकते हैं -NF, तो -2FE डिग्री ऑफ कॉपर प्लस टू स्लैश कॉपर,
कॉपर से कॉपर प्लस टू, सॉरी कॉपर से कॉपर प्लस टू इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ, तो माइनस वन एफ ई डिग्री ऑफ जी वन डिग्री, तो कॉपर से क्यूप्रस, देन माइनस एन एफ डिग्री, तो एन फिर से वन है, एन एफ ई डिग्री ऑफ क्यूप्रस से क्यूप्रिक, ठीक है। तो यहां से अगेन ये एफ एफ और नेगेटिव नेगेटिव और एफ एफ तो कट जा रहा है, तो कॉपर कॉपर प्लस वन, कॉपर प्लस वन, कॉपर प्लस टू, इसका आपको सम या डिफरेंस मिल सकता है। यहां भी वही मिला था, कॉपर कॉपर प्लस वन, और इसका सम मिला था इधर, और यहां पर अगर आप देखो कॉपर कॉपर प्लस वन, तो कॉपर कॉपर प्लस वन प्लस टू प्लस वन, यहां क्या है प्लस वन प्लस टू, तो इसको प्लस टू प्लस वन कर देते हैं। तो बेटा आप समझ पा रहे कि ये टू टाइम्स ऑफ दिस नेगेटिव 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 कैंसल्स, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं टू टाइम्स ऑफ ये वैल्यू क्या दी हुई थी, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, कॉपर से कॉपर प्लस टू, कॉपर से कॉपर प्लस टू की डिग्री दी हुई है, कॉपर से कॉपर प्लस टू, ये नेगेटिव में 0.3376, अब बस पुट करना है, नेगेटिव में 0.3376 ये वैल्यू दी हुई है, इज इक्वल्स टू नेगेटिव और एफ कैंसिल हो चुका है, इधर बचा हुआ है ई डिग्री ऑफ कॉपर कॉपर प्लस वन, ई डिग्री ऑफ कॉपर कॉपर प्लस वन एंड माइनस, तो खैर यहां पर नेगेटिव तो कैंसिल हो गया, कॉपर प्लस टू कॉपर प्लस वन करके मैं नेगेटिव लिख देता हूं, नेगेटिव कॉपर प्लस टू कॉपर प्लस वन ये करके मैं नेगेटिव लिख देता हूं, ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई। और इसी तरह से यहां पर ये ए प्लस बी आ गया, और यहां ए प्लस बी आया, और यहां पर आप देखें तो ए माइनस बी आ गया, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी अगर आपके पास है, नाउ ऑन सॉल्विंग दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर टू एंड दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर वन, नाउ दीज टू कैन इजिली बी सॉल्व, एंड ऑन सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, तो जो वैल्यू आपको चाहिए थी वो अल्टीमेटली क्वेश्चन में पूछा गया था, कॉपर प्लस वन ई डिग्री ऑफ, यहां से आप ये निकाल लीजिएगा, उसके बाद उसका नेगेटिव कर लीजिएगा, कॉपर प्लस वन स्लैश कॉपर, तो इसकी वैल्यू जो सॉल्व करने पर आ रही है इट इज एक्चुअली 0.5242 वोल्ट, विच वॉज देयर इन द ऑप्शन ऑब्वियसली 0.5242 वोल्ट, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताओ कि कैसा लगा क्वेश्चन, और पिछले जितने भी क्वेश्चन हैं उनको फॉलो करना शुरू कर दो अगर आप सिंसियर जेई एडवांस एस्पिरेंट हो तो, ठीक है। ऑल दो अभी थोड़ा मेंस का माहौल चल रहा है, तो आप बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, कोई आपको ऐसा नहीं है कि नहीं करनी है मेंस की प्रिपरेशन, आप कर सकते हैं अपना मेंस की प्रिपरेशन, खुद से भी कर सकते हैं, उसमें तो आराम से किया जा सकता है, ठीक है। ओके, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।